रैपिड ट्रेन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में मोदी के काफिले के सामने जब नाचने लगी महिलाएं, योगी आदित्यनाथ भी देखते रह गए ये दृश्य। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक बार फिर मीम आर्मी के हत्थे चढ़ गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड एक्सेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। यह ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। अभी इसका सिर्फ फेज वन यानी 17 किलोमीटर के परिचालन को ही हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायरल वीडियो पर जनता प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता को खूब लताड़ भी रही है। दृश्य में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि साहिबाबाद में रैपिड एक्सेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन से गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद में उन्होंने रोड शो किया और जनता को संबोधित भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री का ये रोड शो इस बार काफी खास था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी कर रही थी नारी शक्ति। आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के आगे चल रही हैं और भारत माता की जय, जय श्री राम और मोदी मोदी का नारा भी लगाया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। धन्यवाद।